हाय पिला माने आज माने भग्नांशर डिवाइड पुनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन अर्थात भग्नांशर मल्टीप्लिकेशन पुनी डिवाइडेशन हम आज माने सिखिबा मन कर प्रथम माने मल्टीप्लिकेशन सिखिबा मन कर नंबर 1 मन कर मो दुईटी भग्नांश नै छी 3/5 * 2/6 माने दो 3/ माने दो फ्रैक्शन लिया एक है 3/5 और एक है 2/6 इसको हम क्या करेंगे ना मल्टीप्लिकेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे ना डिवाइड कर सकते हैं इसको हम सिंपलेस्ट कर सकते हैं जितना हो सके हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम क्या कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं यहां पर सिंपलेस्ट कर सकते हैं यहां पर मैंने 2 1 2 2 3 6 यानी यहां पर मैंने इसको सिंपलेस्ट किया लेकिन यहां पर ये सिंपलेस्ट नहीं हो रहा है ये 3 को और ये 3 को मैं काट सकता हूं तो बाकी बचा 1/5 तो इसका रिजल्ट हुआ 1/5 और एक हम करेंगे मान लीजिए मैंने आउट मैंने हमने करबा 8/6 * 3/9 यहां पर भी ऐसे करना है प्रथम भग्नांश परी द्वितीय भग्नांश रे मध्ये हमने से प्रकार करबा आ जते संभव हमने लब पुनी हर को काटि के हमने कोन करबा छोटो करबा जितना हो सके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट के हम जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको ला सकते हैं हम कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर और इसको काट सकता हूं 3 1 3 3 3 9 मैं यहां पर काटा मैं यहां काट ली 3 के 3 3 3 के 9 इसको भी मैं काट सकता हूं 2 में 2 4 जा और 2 3 जा तो ऊपर और न्यूमरेटर क्या हुआ 4 * 1 = 4 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 3 * 3 = 9 तो यहां पर ये दो चीज हुआ और मैं याको द्वितीय भवन से काट ली 3 के 3 तो संग से 3 3 का 9 एटा काट ली 2 रे 2 चो 8 2 3 का 6 पुनी लब लब गणली 4 * 1 = 4 पुनी 3 * 3 = 9 तले यार उत्तर हला 4 विभक्त 9 पुनी प्रथम टर उत्तर हला 1 विभक्त 5 एबे हम देखिबा हरण अर्थात डिवाइड भग्नांश डिवाइड मन करंतु 4/5 मोडे भग्नांश नली डिवाइड बाय 12/10 मन कर मु और हमने दो फ्रैक्शन लिया एक है 4/5 और एक है 12/10 तो यहां पर एक चीज होता है जब फ्रैक्शन का हम डिवाइड करते हैं तो इसको जब तक हम इसको इनटू फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते जते पर्यंत हमने भग्नांशटी को गुणन प्रक्रिया को न आनिबा सेते पर्यंत हमने ताको लघिष्ट कर परिबा नै बा ताको हमने काटि परिबा नै जे प्रकार ताले प्रथम भग्नांश जे प्रकार रहइबो असे प्रकार रहइबो 4/5 जैसे है वैसे रहेगा जो इन डिवाइड है उसको इनटू करेंगे और इसका क्या होगा उलट जाएगा मतलब जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर होगा जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर होगा अर्थात हर लब हो जीव पुनी लबटा हर हो जीव अर्थात मूल लिखि भी कोन ना 10 विभक्त 12 तो मैंने क्या लिखा 10/12 यानी कि जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो चुका है और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो चुका है अभी हम क्या कर सकते हैं इसको सिंपलीस्ट कर सकते हैं 5 1 = 5 5 2 = 10 4 1 = 4 4 3 = 12 और ऊपर डिनोमिनेटर का सॉरी ऊपर न्यूमरेटर का हम गिनेंगे 2 * 1 = 2 नीचे डिनोमिनेटर का गिनेंगे 3 * 1 = 3 लब दिटा गणिबा 1 * 2 = 2 और हर मध्य 1 * 3 = 3 ता अर्थ होची 4/5 ता अर्थ होची 4/5 / 12/10 = 2/3 अर्थात 4 विभक्त 5 हरण 12 विभक्त 10 रो उत्तर होची 2 विभक्त 3 आ गुटे हमन करबा नंबर 4 मन कर मोड भग्नांश ने कि 9/8 हरण 3/12 मैंने दो फ्रैक्शन और लिया 9/8 और डिवाइड बाय 3/12 ठीक उसी तरह से पहला जो फ्रैक्शन है उसको जैसे है हम ऐसे रहेंगे तो पहला ठीक उसी तरह से जो पहला जो फ्रैक्शन है वो जैसे को वैसे ही रहेगा दूसरा फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे इसको इनटू फॉर्म में लाने के लिए इसको और अल्टरनेट करेंगे मतलब डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर होगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा डिनोमिनेटर होगा अर्थात प्रथम भग्नांश हम जे प्रकार से प्रकार रहइब द्वितीय भग्नांश हम कोन करबा लब को हर को लब करियो अर्थात 12 विभक्त 3 एबे हम कोन करबा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम काट सकते हैं 3 1 = 3 3 3 = 9 4 2 = 8 4 3 = 12 तो अभी दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन करने से 3 * 3 = 9 2 * 1 = 2 तबे आउ लघिष्ट कला पर हम देखिबा लब दुटर गुणनफल 3 * 3 = 9 तसन जे हर दुटर गुणनफल 2 * 1 = 2 अर्थात हमन को उत्तर बाला 9 / 2 लेकिन ये जो उत्तर निकला ये हमारा इंप्रॉपर फ्रैक्शन है
क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसको हम क्या करेंगे ना, मिक्स फ्रैक्शन करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन करने का तरीका हम जानते हैं, 9 को 2 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 4 4 8, रिमाइंडर होगा 1, तो ये क्या होगा ना 4 1 by 2, ये हुआ इसका मिक्स फ्रैक्शन। क्योंकि हम जानते हैं जब फ्रैक्शन करेंगे, चाहे वो प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, इनटू डिवाइड कुछ भी हो, जब रिजल्ट हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकलता है तो हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। जितना मैंने गुणन हरण मिश्रण फिरण भग्नांश जहाँ भी करूँ, यदि अपकृत भग्नांश बाहर उत्तर अर्थात लब यदि हरठार बड़ बाहर, तेज आम से प्रकार न छाड़ आम कौन करूँ ना मिश्र भग्नांश परिणत कर शेष करवा। आज आम कौन शिखिलु ना, आज मैंने भग्नांशर गुणन तो संगे संगे भग्नांशर हरण शिखिलु। गुणन को आम जमी साधारण भाव करने कथा करवा, आउर आम कौन करवा गुणन को आम कौन करते संभव पारा लघिष्ट करवा, काटिक लघिष्ट कर शेष में जो लघिष्ट फर्म बाहर सेटा को लब गणिक लब रखा, हर को हर गणिक हर पाखे लिखा। किंतु जितना मैंने हरण करवा, हरण कले सामान्य टी व्यतिक्रम रही अर्थात हरण रो प्रथम भग्नांश जे प्रकार रहा कथा रही है, द्वितीय भग्नांश को आम गुणन फर्म को आनी द्वितीय भग्नांश परिवर्तन कर अर्थात लब को हर हर को लब करापर जमी काटा कथा लघिष्ट करा कथा कर रेजल्ट काढ़ा। हमने क्या सीखा, जो भग्नांश का जो फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया उसको हम जैसे करना था वैसे करते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जितना काट सकते हैं जितना छोटा कर सकते हैं हम करते हैं और किए भी। उसके बाद और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को गिन के ऊपर जो रिजल्ट निकलेगा निकल के हम उधर ऊपर लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर गिन के हम डिनोमिनेटर नीचे लिख सकते हैं। लेकिन जो जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर थोड़ा बदलाव होता है, जो पहला फ्रैक्शन होता है उसको हम जैसे को ऐसे रखते हैं, लेकिन जो दूसरा फ्रैक्शन होता है उसको हम इनटू फॉर्म में ला के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करते हैं। उसके बाद हमको जैसे उसको सिंपलिस्ट करना है उसको सिंपलिस्ट करते हैं, फिर रिजल्ट को क्या करते हैं लिखते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा क्या होता है, इस तरह से हमारा ये डिवाइड भी होता है। अगर डिवाइड में जो रिजल्ट है वह हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकला तो उसको हम क्या करेंगे ना मिक्स फ्रैक्शन करके हमको छोड़ना है, तब जाके हमारा आंसर ठीक रहेगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए हमारा हमको ऐसे कुछ फ्रैक्शन मिला, मान लीजिए 3/5 इंटू 2/2 मान लीजिए 2/7 मिला हमको 7 3/5 मान लीजिए हमको एक फ्रैक्शन मिला 3/5 और 2/7 तो यहाँ पर हमने देख रहा है ये किसी के साथ किसी का संबंध में किसी को हम क्या नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका समय में इस समय में हम क्या करना पड़ेगा ना ये दोनों को डिनोम करना पड़ेगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यही जो भग्नांश मुझे नेली 3/5 × 2/7 ये आम देखु कहार सागर कहार संपर्क ना आम लघिष्ट करूँ ना कह सागर क्या काटिपारू ना से समय आम कौन करूँ लब को लब गणिक लिखू पुणी हर को हर गणिक लिखू तेल मुझे कौन करी 3 × 2 = 2 इसका मतलब हुआ 3 × 2 / 5 × 7 3 × 2 = 6 5 × 7 = 35 तो हमारा रिजल्ट हुआ 6/35। यहाँ पर सिंपल करना है, यहाँ पर जहां पर कोई हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं वहां पर हम क्या करना है सिंपली न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन करना है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बच्चों आज हमने और फ्रैक्शन का डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन मैंने आज मैंने भग्नांश गुणन पुणी हरण शिखिलु आशा करे आ तुमने निश्चित भाव शिखीच भग्नांश गुणन पुणी हरण आने घरे तुमने जिते प्राक्ट कर और निश्चित भाव में तुम्हें शिखिपार। धन्यवाद।